हाय फ्रेंड्स आई एम रेनू सिंह आज का हमारा क्वेश्चन एक और पज़ल है, ये थोड़ा डिफरेंट पजल है इसमें क्या दिया गया है इसमें डेज मेंशन मेंशन है, है, पर्सन और उसके साथ सब्जेक्ट मेंशन है अब इन सब को इन सिंपलेस्ट वे में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ये आज मैं आपको बताती हूँ तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा सिक्स टीचर्स फ्रॉम ए टू एफ टीच इन अ स्कूल On six different days from Monday to Saturday. Each of them teach six different subjects, namely subjects, but not necessarily in this pattern. F teaches on the day just before the day eco uh, economy was taught. Two teachers taught between D and A who taught after D. तो चलिए हम लोग इसको साथ साथ स्टार्ट भी करते हैं सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना हमको तो पॉइंट पता चल गया है कि क्वेश्चन में मेंशन uh, किया है कि मंडे टू सैटरडे है और सिक्स टीचर्स है और वो कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं तो सिंपलेस्ट वे है कि हम लोग इसको सबसे पहले डेज मैंशन कर देते हैं ताकि हमारा इजी हो जाएगा तो हम यहाँ मंडे ट्यूजडे फ्राइडे और सैटरडे क्योंकि मंडे से इसलिए मैंने मंडे से लिखा अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है डे जस्ट बिफोर द डे इकोनॉमी वॉज टॉट एफ किस दिन ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है जो हम लोग साइड में लिख के रख सकते हैं यहाँ क्या है एफ टीचर्स जस्ट बिफोर द डे इकोनॉमी तो जिस दिन इकोनॉमी पढ़ाया जा रहा है उसके पहले वाले दिन एफ पढ़ा रहा है टू टीचर्स बिटवीन डी एंड ए दो टीचर पढ़ा रहे हैं डी और ए के बीच में तो डी और ए के बीच में कितने पर्सन हुए दो हुए ये हमारा पॉइंट टू है ये पॉइंट वन है ए टॉट आफ्टर डी तो ये चलो ठीक ही है कि आफ्टर डी पढ़ा ए पढ़ाएगा बायोलॉजी बायोलॉजी बायो होगा मैथ के एक दिन पहले ये हमारा थर्ड नंबर पॉइंट हुआ ई टॉट जस्ट आफ्टर सी बोथ ऑफ देम टॉट आफ्टर ए जस्ट आफ्टर सी और बोथ ऑफ देम जस्ट आफ्टर ए ए के बाद होगा तो हमारा यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर हो जा रहा है कि ये डी और ए के बीच में दो परसेंट का गैप होगा और इन दोनों के बाद, के बाद बाद ए ई और सी होगा तो हमारा ई e, सी के बाद होगा यानी कि सी पहले होगा फिर ई e होगा ये हमारा एक पता चल गया कि यहाँ हमारा ऐसे पर्सन बैठेंगे टोटल सिक्स होगा तो ये सिंपली हम लोग पुट कर सकते हैं यहाँ पे सी e, ए और मंडे को डी पढ़ाएगा अब सब्जेक्ट हमारा मिसिंग है इसके बाद क्या है जियोग्राफी वॉज टॉट आफ्टर द डे ऑन विच ए टॉट बट बिफोर द डे ऑन विच केमिस्ट्री वॉज टॉट जियोग्राफी पढ़ाया जा रहा है ए के बाद लेकिन केमिस्ट्री के पहले तो ऑब्वियसली सी जियोग्राफी पढ़ाएगा और केमिस्ट्री ई पढ़ाएगा इसके बाद क्या ए डिड नॉट टीच मैथ्स ए मैथ्स नहीं पढ़ाएगा यानी कि ए यहाँ पे हमारा मैथ्स नहीं पढ़ाएगा तो मैथ्स इन तीनों में होगा लेकिन मैथ्स का मेंशन किया हुआ है कि बायोलॉजी के बाद मैथ्स होगा और इसके बाद क्या बायोलॉजी वाज नॉट टॉट ऑन द फर्स्ट डे यानी कि फर्स्ट डे बायोलॉजी नहीं होगा यानी कि तो हमारा बायोलॉजी होगा ट्यूसडे को और मैथ्स होगा वेडनेसडे को तो हमारा यहाँ एक ये भी है कि एफ के जस्ट नीचे इकोनॉमी एक, होगा तो हमारा यहाँ एफ ऊपर मंडे के ऊपर तो और कोई डे है नहीं तो इसलिए एफ हमारा यहाँ होगा और ए हमारा इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा तो बचा सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स जो डी पढ़ाएगा तो ये बहुत सिंपली वे में सॉल्व हो गया ये बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन था और इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको हार्डली टू मिनट्स लगेंगे सॉल्व करने में एग्जाम हॉल में बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आपका स्पीड हो और एक्यूरेसी के साथ आप अपना एग्जाम अच्छे से देने सके नंबर ऑफ अटेंड्स भले आपके कम हो लेकिन आप हमेशा एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे तो आप इजिली एग्जाम क्रैक कर सकते हैं थैंक यू